आईपीएल 2020 के मैच नंबर 47 में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए। पहली ओवर की पांचवी गेंद पर एसआरएच के खिलाड़ी रिद्धिमान साहा ने मिड विकेट के माध्यम से अंतराल में बाउंड्री लगाया। दूसरी ओवर के दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा ने अंदर के छोर से लेकर फाइन लेग तक एक चौका लगाया। अगले गेंद पर साहा ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए एक और चौका लगाया। तीसरी ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर एक स्विंग के लिए स्क्वायर लेग पर स्वीप करके शानदार प्रतिक्रिया दिखाकर छक्का लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रिद्धिमान साहा एक चौके के लिए लेग साइड पर चौका लगाया। अश्विन के लिए महंगी शुरुआत। चौथी ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने अपने सामने के पैर को साफ किया और मांसपेशियों को मिड ऑफ के मध्य से जमीन के नीचे से फेंकते हुए बाउंड्री लगाया। अगले गेंद पर डेविड वार्नर कवर पॉइंट के माध्यम से मारते हुए एक और चौका लगाए। पांचवी ओवर की पांचवी गेंद पर डेविड वार्नर बैक फुट से पंच करते हुए अतिरिक्त कवर क्षेत्र से एक्सीलेंट बाउंड्री लगाए। छठी ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर मध्य के दूर और एक चौके के साथ पंच किया और एक और चौका लगाए। अगले गेंद में डेविड वार्नर एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में एक और चौका लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर वार्नर बैक फुट से पुल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाए। और अगले गेंद में भी वार्नर बैकवर्ड पॉइंट के माध्यम से चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किए। और आखिरी गेंद पर भी वार्नर गुड लेंथ गेंद को थर्ड मैन रीजन में मारते हुए चौका लगाए। यह हैदराबाद का इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ पावर प्ले है। सातवीं ओवर की तीसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा डीप स्क्वायर लेग रीजन में स्वीप करते हुए चौका लगाए। आठवीं ओवर की दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉफ्ट करके चौका लगाए। दसवीं ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर लॉन्ग ऑफ की बाई ओर से मारकर चौका लगाए। हालांकि नॉर्थ ने गेंद को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन गेंद बाउंड्री क्रॉस हुआ। और अगले ही गेंद पर डेविड वार्नर मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर से मारकर अक्षर पटेल को आसान कैच देकर आउट हो गए। दिल्ली के लिए एक बड़ा विकेट और रविचंद्रन अश्विन का यह पहला विकेट। दसवीं ओवर की आखिरी गेंद पर रिद्धिमान साहा स्क्वायर लेग के जरिए स्वीप करते हुए चौका लगाए। ग्यारहवां ओवर की दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा डी स्क्वायर लेग रीजन में चौका लगाए। इसी के साथ उनका अर्धशतक पूरा हुआ और साथ ही आईपीएल लीग में उनका दूसरा सबसे तेज अर्धशतक। और अगले गेंद पर साहा ने गुड लेंथ गेंद को क्षेत्र के माध्यम से बैक टू बैक बाउंड्री लगाया। बारहवीं ओवर की दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा स्क्वायर लेग के ऊपर से स्लॉग स्वीप करते हुए छक्का लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर फिर एक बार रिद्धिमान साहा ने एक्सीलेंट प्रदर्शन दिखाते हुए चौका लगाया। तेरहवां ओवर की आखिरी गेंद पर रिद्धिमान साहा मिड विकेट के दिशा पर मारकर छक्का लगाए। चौदह ओवर की आखिरी गेंद पर रिद्धिमान साहा थर्ड मैन पर फील्डर के पीछे से चौका लगाए।
15 ओवर की दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा कवर क्षेत्र के ऊपर से चौका लगाए। लेकिन अगले गेंद पर रिद्धिमान साहा एनरिच की गेंदबाजी में आउट हो गए। साहा 45 गेंद पर 87 रन बनाए। वे निराश हुए क्योंकि वे अपना शतक नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हैदराबाद को एक मंच दिया। साहा द्वारा एक शानदार पारी का अंत हुआ। पंद्रह ओवर की आखिरी गेंद पर मनीष पांडे गुडलैंड गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से मारते हुए चौका लगाए। सत्रह ओवर की तीसरी गेंद पर मनीष पांडे फुलिश लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को अच्छे समय के साथ बाउंड्री लगाए। और उसी ओवर की पांचवी गेंद पर मनीष पांडे मिड विकेट के क्षेत्र में खूबसूरती से बाउंड्री लगाए। सत्रह ओवर की आखिरी गेंद में भी मनीष पांडे मिड विकेट पर एक बड़ा दाव लगाकर छक्का लगाए। हैदराबाद के लिए एक अच्छा ओवर। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर मनीष पांडे ने बल्ले को सीधा घुमाते हुए चौका लगाया। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर केन विलियमसन ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लगाया। इसी के साथ एसआरएस दो विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश करे, लेकिन डेविड वार्नर को कैच देकर आउट हो गए। यह संदीप शर्मा का पहला विकेट। हैदराबाद के लिए अच्छी शुरुआत। उसी ओवर की चौथी गेंद पर मार्कस स्टॉइनिस मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौका लगाए। दिल्ली की पारी का पहला बाउंड्री। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर अजिंक्य रहा ने कवर पॉइंट रीजन के माध्यम से बाउंड्री लगाए। लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्टॉइनिस मिड ऑफ क्षेत्र से एक बड़ा मारने गए, लेकिन डेविड वार्नर को कैच देकर आउट हो गए। नदीम का ये पहला विकेट। चौथी ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहा ने ट्रैक से नीचे उतरकर बल्ला घुमाते हुए थर्ड मैन की दिशा पर चौका लगाए। पांचवी ओवर की दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहा ने एक सीमा लाने के लिए कवर पॉइंट क्षेत्र के माध्यम से चौका लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर शिमरन हेटमेयर मिड ऑफ क्षेत्र के माध्यम से खींचते हुए चौका लगाए। छठी ओवर की दूसरी गेंद पर हेटमेयर गुड लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को पॉइंट रीजन के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौका लगाए। और अगले गेंद में भी हेटमेयर बैक ऑफ लेंथ बॉल के चारों ओर से मिड विकेट से खींचते हुए बैक टू बैक चौका लगाए। छठी ओवर की पांचवी गेंद पर अजिंक्य रहा ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए। सातवीं ओवर की पहली गेंद पर हेटमेयर लाइन के पार हिट करने गए, लेकिन पूरी तरह से चूक गए और रशीद खान के गेंदबाजी में आउट हो गए। हैदराबाद बहुत ही जल्दी जल्दी विकेट निकाल रहे थे और दिल्ली ने अपना तीसरा विकेट खोया। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर एक और विकेट गिरा। अजिंक्य रहा ने रशीद खान की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हो गए।
रशीद खान का यह दूसरा विकेट। आठवीं ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत अपने घुटने पर बैठकर स्लैंग स्वीप करे और गेंद डीप मिड विकेट रीजन से बाउंड्री लगा। दसवीं ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत चारों ओर से एक अच्छी लंबाई से खींचते हुए चौका मारे। बारहवीं ओवर के तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर कवर क्षेत्र में एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में केन विलियमसन को आसान कैच देकर आउट हो गए। यह विजय शंकर का पहला विकेट। तेरहवां ओवर के पांचवी गेंद पर एक और चित्र, अक्षर पटेल डीप मिड विकेट के रीजन पर मारकर प्रियम गर्ग को कैच देकर आउट हो गए। रशीद खान का यह तीसरा विकेट। रशीद खान का आईपीएल करियर में यह बेस्ट बॉलिंग फिगर है। 15 ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने इसे बैकवर्ड पॉइंट के माध्यम से निचोड़ते हुए चौका लगाया। 16 ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत मिड ऑफ के माध्यम से एक और चौका लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रबाड़ा नटराजन की गेंदबाजी पर क्लीन बोल्ड के रूप में आउट हो गए। 17 ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत एक शॉट लगाने के चक्कर में गोस्वामी को कैच देकर आउट हो गए। संदीप शर्मा का यह दूसरा विकेट। उसी ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाया और यह उनके लिए पहला बाउंड्री। अठारह ओवर की पहली गेंद पर देश पांडे स्ट्रेट ड्राइव करके अच्छा चौका लगाए। उसी ओवर के तीसरी गेंद पर देश पांडे मिड ऑन की दिशा में शानदार छक्का लगाए। और 18 ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन एक भारी शॉट लगाने के चक्कर में समत को कैच देकर आउट हो गए और जेसन होल्डर का यह पहला विकेट। 19 ओवर की दूसरी गेंद पर देश पांडे और एक शानदार चौका लगाए, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एनरिच भारी शॉट लगाने के चक्कर में प्रियम गर्ग को कैच देकर आउट हो गए। इसी के साथ आज SRH बल्लेबाजी एवं गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन देकर दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से हराए।